दोस्तों आज के वीडियो में हम गांधी फैमिली के पूरे हिस्ट्री के बारे में जानने वाले हैं। फर्स्टली मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि महात्मा गांधी जी का पूरे गांधी फैमिली के साथ कोई ब्लड रिलेशनशिप नहीं है। गांधियों का फैमिली ट्री स्टार्ट होता है पंडित जवाहरलाल नेहरू से। जवाहरलाल नेहरू के बेटी इंदिरा गांधी का ईयर 1942 में फ्रीडम फाइटर एंड महात्मा गांधी के वफादार फिरोज गांधी के साथ शादी होता है। इंदिरा गांधी एंड फिरोज गांधी के दो बेटे थे, बड़ा बेटा राजीव गांधी एंड छोटा बेटा संजय गांधी। जहाँ एक तरफ राजीव गांधी राजनीति से दूर इंग्लैंड में पायलट की पढ़ाई कर रहे थे, वही संजय गांधी इंडियन पॉलिटिक्स में पूरी तरीके से इन्वॉल्व थे। इसी बीच ईयर 1960 में फिरोज गांधी का हार्ट अटैक के चलते डेथ हो जाता है एंड इसके कुछ सालों बाद ईयर 1964 में उम्र के चलते जवाहरलाल नेहरू का भी डेथ हो जाता है। जवाहरलाल नेहरू के डेथ के बाद इंडिया का सेकंड प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है लाल बहादुर शास्त्री को। फिर लाल बहादुर शास्त्री के डेथ के बाद इंडिया का थर्ड प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है इंदिरा गांधी को। इंग्लैंड में पढ़ते वक्त राजीव गांधी का इटालियन सिटीजन सोनिया मेयोन के साथ मुलाकात होता है एंड 1968 में ये दोनों शादी करते हैं। शादी के बाद राजीव एंड सोनिया गांधी को दो बच्चे हुए, बड़ा बेटा राहुल गांधी एंड छोटी बेटी प्रियंका। वही 1974 में संजय गांधी का शादी इंडियन मॉडल मेनका आनंद के साथ होता है। शादी के 6 साल बाद संजय एंड मेनका गांधी का एक बेटा होता है जिसके नाम रखा जाता है वरुण गांधी। बट वरुण गांधी के पैदा होते ही ठीक 3 महीने बाद ही ईयर 1980 में एक प्लेन क्रैश में संजय गांधी का डेथ हो जाता है। संजय गांधी के डेथ के बाद घर में आपसी विवाद के चलते मेनका गांधी एंड उनका छोटा बेटा वरुण गांधी दोनों ही प्रधानमंत्री निवास छोड़ देते हैं। वही इंदिरा गांधी अपने पूरे राजनीति का दायित्व राजीव गांधी के हाथ सौंप देती है। इसी बीच संजय गांधी के डेथ के 4 सालों बाद इंदिरा गांधी का भी डेथ हो जाता है उन्हीं के दो सिख बॉडीगार्ड के हाथों। इंदिरा गांधी के मर्डर के पीछे मेन रीजन था कांग्रेस ने पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया था और इसी के चलते प्रोटेस्ट को रोकने के लिए उस वक्त संजय गांधी एंड इंदिरा गांधी के आदेश से पुलिस ने पंजाबियों के धर्मस्थल गोल्डन टेंपल पे गोली चलाया था। इंदिरा गांधी के डेथ के बाद तुरंत ही राजीव गांधी को 1984 में इंडिया का नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। बट इसके 7 सालों बाद 1991 को तमिलनाडु के एक फंक्शन में सुसाइड बॉम्बिंग के द्वारा राजीव गांधी का भी मर्डर करवा दिया जाता है। राजीव गांधी के मर्डर के पीछे श्रीलंका के आतंकवादी संस्था LTE का हाथ था, क्योंकि राजीव गांधी श्रीलंका में LTE के खिलाफ श्रीलंका गवर्नमेंट को हेल्प कर रहे थे। राजीव गांधी के डेथ के बाद सोनिया गांधी काफी सालों तक राजनीति से दूर रही, बट एट प्रेजेंट कांग्रेस को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी एंड सोनिया गांधी मिलकर चला रहे हैं। जहां राहुल गांधी अभी तक अनमेरिड हैं, वही प्रियंका गांधी का शादी 1997 में बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा से होता है। वही प्रधानमंत्री निवास छोड़ने के बाद संजय गांधी की बीवी मेनका गांधी ईयर 1999 में बीजेपी पार्टी को ज्वाइन कर लेती है। इसके 5 साल बाद 2004 में राजनीति में उतरते हुए वरुण गांधी भी बीजेपी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। वरुण गांधी उम्र में राहुल गांधी से लगभग 10 साल छोटे हैं। अपने बड़े भाई राहुल गांधी की तरह वरुण गांधी भी एक तगड़े पॉलिटिशियन हैं, जो कि आगे जाके देश के प्रधानमंत्री बनने का काबिलियत रखते हैं। राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? अब देखिए, मैं कोई ज्योतिष तो हूँ नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगले 10-20 साल तो मेरे को लग नहीं रहा। वरुण गांधी का जन्म आज ही के दिन यानी 13 मार्च को ईयर 1980 में हुआ था। तो आज के दिन उनके जन्मदिन के अवसर में उनके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये था पूरे गांधी फैमिली का हिस्ट्री, जहाँ पे घर में आपसी विवाद के चलते एक ही घर के दो भाई दो अलग अलग विचार वाले राजनीतिक दल के साथ मिल जाते हैं। मैंने 14 साल से कोई तनख्वाह नहीं ली, ना मैं सरकारी घर में रहता हूँ, मैंने कोई फायदा नहीं लिया राजनीति से।